हेलो एवरीवन वेलकम इन स्ट्रक्टी मार्क इस्ट्रक्टी मार्क में आप सबका स्वागत है आज सिविल इंजीनियरिंग बेसिक्स में देखेंगे साउंडनेस ऑफ सीमेंट क्या होती है व्हाट इज साउंडनेस ऑफ सीमेंट इट इज़ द प्रॉपर्टी दैट मेक श्योर द सीमेंट डज नॉट शो एनी कंसिडरेबल एक्सपेंशन वन इट हैज़ बीन सेंट वो ये होता है कि कोई भी सीमेंट कोई एक्सपैंड नहीं कर रहा है कि कर रहा है नहीं कर रहा है उसकी टेस्टिंग होती है तो ये एक प्रॉपर्टी होती है जो कि सीमेंट की ंसिडर करी जाती है सेकेंड जो होती है सेकेंड क्वेश्चन वॉट आर द नेम्स ऑफ डिफरेंट टेस्ट टू चेक द कॉन्क्रीट क्वालिटी कॉन्क्रीट क्वालिटी किस किस टेस्ट से चेक होती है अगर फ्रेश कॉन्क्रीट है तो उसमें वर्केबिलिटी चेक करेंगे एयर कंटेंट चेक करेंगे सेटिंग टाइम चेक करेंगे और अगर हार्ड एंड कॉन्क्रीट हार्ड हो चुकी है तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या है टेंसाइल स्ट्रेंथ क्या है मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी क्या है परमिबिबिलिटी टेस्ट क्या है इन इनसीटू टेस्ट क्या है ये टेस्ट हमारे होते हैं फ्रेश और हार्ड एंड कॉन्क्रीट में वाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ओ पी सी सीमेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या होती है ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की थ्री पॉइंट वन टू थ्री पॉइंट वन सिक्स ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर ये होती है स्पेसिफिक ग्रेविटी ओ पी सी की स्पेसिफिक ग्रेविटी पोर्टलैंड पैना सीमेंट की क्या होती है थ्री पॉइंट जीरो एट ग्राम पर सी सी होती है वॉट आर द डिफरेंट फील्ड टेस्ट ऑफ सीमेंट फील्ड टेस्ट हम क्या क्या करते हैं सीमेंट के कलर टेस्ट फ्लोड टेस्ट प्रेजेंस ऑफ लम्ब देख लेते हैं मैन्युफैक्चरिंग डेट देख लेते हैं टम्परेचर क्या है इनसाइड ठंडा है कि क्या है वो चीज़ चेक कर लेते हैं नेक्स्ट हाउ मेनी डेज ऑफ सीमेंट लास्ट लॉन्ग सीमेंट हम कितने दिन तक स्टोर कर सकते हैं थ्री मंथ्स तक व्हाट इज द नॉर्मल कंसिस्टेंसी ऑफ ओपीसी सीमेंट ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट की कंसिस्टेंसी कितना कितनी है कितना कॉन्स्टेंट है वो पच्चीस से पैंतीस है वॉट शुड बी दी एच वैल्यू ऑफ वॉटर यूज इन कॉन्क्रीट कांक्रीट में पानी यूज करने के लिए पीएच वैल्यू क्या होती है सिक्स से कम नहीं होनी चाहिए नो लेस देन सिक्स वॉट इज द आइडल टेम्परेचर ऑफ कॉन्क्रीट कॉन्क्रीट का आइडल टेम्परेचर क्या है इट शुड बी ट्वेंटी सिक्स पॉइंट सेवन डिग्री सेल्सियस टू थर्टी फाइव डिग्री सेल्सियस एज पर द ए एस टी एम सी वन जीरो सिक्स फोर कोट ठीक है वॉट इज ग्राउटिंग ग्राउटिंग क्या होती है इट इज द प्रोसेस ऑफ इंसर्टिंग मटेरियल इनटू कैविटीज कॉन्क्रीट क्रैक्स रॉक मास सॉयल एंड मैसेडरी स्ट्रक्चर टू इंक्रीज देयर लोड बियरिंग कैपेसिटी द मटेरियल यूज फॉर दिस वर्क इज नोन एज ग्राउट ग्राउटिंग क्या होती है कि कोई भी हमें मटेरियल कोई भी कैविटीज हो गया होल्स हो गया गैप्स हो गया क्रैक्स हो गया रॉक मास कोई भी कोई मास हो गया उसके बीच में जो भी जगह हो कोई मैसनरी स्ट्रक्चर हो उस पर उसकी लोड बेयरिंग कैपेसिटी इंक्रीज करने के लिए हम कोई भी ग्राउट किसी भी चीज़ का ग्राउट करते हैं ठीक है और इसको मटेरियल जो भी उसके लिए वर्क होता है उसे ग्राउटिंग कहते हैं या कोई भी कॉन्क्रीट में कोई फ्लूड हम अप्लाई करते हैं वॉइड्स को फिल करने के लिए उसको भी ग्राउटिंग कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है वॉट वेरियस टेस्ट आर डन टू चेक द क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स क्वालिटी ऑफ ब्रिक्स चेक करने के लिए आ, कौन कौन से हम आ, टेस्ट चेक कर, आ, करते हैं क्रशिंग स्ट्रेंथ वाटर एबजॉर्बशन शेप एंड साइज हार्डनेस एफ्लोरेसेंस साउंडनेस कलर स्ट्रक्चर इन सब टेस्ट को हम करते हैं क्वालिटी चेक करने के लिए ब्रिक्स की क्या क्वालिटी है वॉट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्ड्स यूज इन ब्रिक मैसेनरी में कौन से बॉन्ड्स होते हैं बहुत कॉमन है हेडर स्ट्रेचर इंग्लिश फ्लैमिश बॉन्ड वॉट आर द टाइप ऑफ स्टोन मैसेनरी स्टोन मैसेनरी के टाइप्स क्या हैं रबल मैसेनरी और एशलर मैसेनरी यह होता है डी पी सी का फुल फॉर्म क्या होता है डैम प्रूफ कॉन्क्रीट वॉट आर द स्टैंडर्ड मैथड ऑफ डिमोलिशन डिमोलिशन किस किस तरह से कौन से मैथड से होता है कि किसी भी चीज को डिमोलिश करना हो गिराना हो तो हाइड्रो डिमोलिशन होता है प्रेशर बस्टिंग होता है डिसमेंटलिंग होता है ठीक है नेक्स्ट क्या है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीएचके बीएचके का क्या फुल फॉर्म होता है बेडरूम हॉल किचन जैसे हम लोग कहते हैं वन बीएचके एच के टू बी एच थ्री बी ये सब बहुत बेसिक्स हैं लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत से लोगों को नहीं पता है पता है नहीं पता है डिपेंड करता है एफ क्या होता है फ्लोर एरिया रेशियो इसका फुल फॉर्म होता है फार्मूला क्या होता है एफ निकालने के लिए टोटल कवर्ड एरिया ऑफ ऑल द फ्लोर्स ऑफ द बिल्डिंग डिवाइड बाई प्लॉट एरिया ठीक है हाउ मेनी लेवल्स आर इन्वॉल्व इन कंस्ट्रक्शन ऑफ अ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग में कौन कौन से एरिया होता है एनजीएल होता है जीएल होता है एफ जी एल होता है प्लिंत लेवल होता है एफ एफ एल होता है लिंटर लेवल होता, होता है ये सारे लेवल्स होते हैं वॉट शुड बी द कम्प्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स फर्स्ट क्लास ब्रिक्स अगर आप यूज करते हैं तो उसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ क्या होगा इट शुड नॉट बी लेस देन एक सौ पांच वन जीरो फाइव के जी पर सेंटीमीटर स्क्वायर वॉट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक्स नाइनटीन बाई नाइन बाई नाइन सेंटीमीटर वाट शुड बी द स्टैंडर्ड हाइट ऑफ फ्लोर स्टैंडर्ड हाइट हमारी थ्री मीटर्स होता है फ्लोर टू फ्लोर हाइट जो तीन मीटर लेते हैं हम लोग ये बिल्डिंग डिजाइन ड्रॉइंग से रिलेटेड है वॉट इज प्रोजेक्शन लाइन इट इज अ वे इन विच द अर्थ इज प्रेजेंटेड ऑन अ फ्लैट पीस ऑफ पेपर किसी भी फ्लैट पीस ऑफ पेपर पे हमारी जो भी प्रोजेक्शन लाइन है तो वो डिजाइन करा जाता है डिजाइन पार्ट में बिल्डिंग डिजाइन पार्ट में आता है जो कि प्रोजेक्शन लाइन एक ड्रॉ करके उसको बताया जाता है वॉट शुड बी द स्लोप ऑफ स्लोप ऑफ स्टेयर केस पच्चीस टू चालीस चालीस डिग्री होता है एज पर आई एस फोर फाइव सिक्स उसमें आप चेक करना आई एस फोर फाइव सिक्स में दिया हुआ है शुड बी द साइज थ्रेड और राइजर का रेसिडेंशियल और कॉमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए क्या होता है रेसिडेंशियल के लिए जो थ्रेड होता है वो ढाई सौ एमएम होता है राइजर एक सौ साठ होता है कॉमर्शियल के लिए थ्रेड दो सौ सत्तर से तीन सौ एमएम राइजर एक सौ तीस से डेढ़ सौ एमएम होता है हाउ कैन वी चेक द लेवल ऑन अ कंस्ट्रक्शन साइट लेवल कैसे चेक करते हैं हम लोग स्प्रिट लेवल ऑटो लेवल पाइप लेवल से चेक करते हैं

शॉर्टक्रीट का प्रोसेस क्या होता है ड्राई मिक्स होता है वेट मिक्स होता है गनेटिंग गुन, क्या होता है ड्राई मिक्स शॉर्टक्रीट प्रोसेस को गनेटिंग कहते हैं विच मटेरियल इज ऑफ फिलिंग क्रैक्स मैसेनरी स्ट्रक्चर में क्रैक्स फिल करने के लिए प्लास्टिक विटामिन का यूज करते हैं कौन सा मशीन टेस्टिंग होती है कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट यूटीएम यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन वॉट इज़ हनी कॉम हनी कॉम क्या होता है ये वॉइड्स होता है कैिटीज होती है किसी भी कॉन्क्रीट uh, में फॉर्म ड्यू टू मोटार नॉट फिलिंग द स्पेसिस बिटवीन द कोर्स एग्रीगेट पार्टिकल्स हनी कॉम किसी में भी आ जाता है को, कोई वॉइड्स कैिटीज फिल हो जाती जिसमें मोटार हमारा फिल कॉम प्रॉपर तरीके से नहीं होता है तो उसको हम हनी uh, कॉम कहते हैं हनी कॉम नहीं होना चाहिए बेसिकली तो ये था दोस्तों आ, कुछ आ, बेसिक इन्फॉर्मेशन प्लीज़ लाइक करें सब्सक्राइब करें थैंक यू